छतरपुर के प्रसिद्ध मोटे के महावीर मंदिर परिसर में हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर लगता है जंगल और मेला। कहते हैं रियासत कालीन से चले आ रही इस परंपरा को आज भी आयोजक बरकरार रखे हुए हैं और हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर यहां मेला और दंगल का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आकर जहां इस मेले का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दंगल में होने वाली आकर्षक कुश्तियों का भी आनंद लेते हैं। दूर दराज से आए हुए पहलवान कुश्ती में अपना कर्तव्य दिखाते हैं। आयोजकों के द्वारा विजयी पहलवानों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस दौर में दंगल की इस परंपरा को छतरपुर के आयोजक आज भी जीवंत किए हुए हैं। दंगल की आकर्षक झलकियों के साथ आइए देखते हैं रितेश जैन की रिपोर्ट। मैं लगभग 6-7 साल से दंगल खेल रहा हूँ और यहाँ पर नागपंचमी के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल दंगल का आयोजन होता है, जहाँ दूर दूर से अपने क्षेत्र से और काफ़ी दूर क्षेत्रों से प्रदेशों से पहलवान आते हैं और कुश्ती का दाव आजमाते हैं, जिसमें इनाम प्रतियोगिता भी रखी जाती है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पुरस्कार प्रतिभागी को दिया जाता है जो विजयी होता है। और इसमें पहलवान मेरे दादाजी कई पूर्वज पहलवान भी यहाँ पे कुश्ती करते रहे हैं और मैंने अभी अभी भाग लिया था, जिसमें मैंने पूरे दंगल का लुत्फ उठाया है। श्री मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में संचालित होता चला आ रहा है और हम लोग इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम पुरस्कार भी वितरण करते हैं और बरसों से उनकी परम छतरपुर के जाने माने और तेजस्वी हमारे यहाँ पहलवान हुए जिनका नाम परमानंद जी महाराज था और उनकी याद में हम लोग यहाँ पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी करते हैं और प्रोत्साहित करते हुए हम यह परंपरा जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और नागपंचमी के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही बड़े विराट मेले का आयोजन किया जाता है, साथ ही यह दंगल का आयोजन किया जाता है।